ठीक है, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज हम बेसिक ही करेंगे कुछ फंडामेंटल चीजें, जैसे कि हमने डिफरेंशियल, अब तक अपना जो टॉपिक हो चुके, तो डिफरेंशियल कैलकुलस होता है। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सारे चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस में आते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व, ये सब आपके इंटीग्रल कैलकुलस में आता है। ठीक है, ये चैप्टर का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या है कि जब भी आपको, जैसे मान लो अब तक अपन ने जो जो चीजें पढ़ी थी, अपने क्या करा, डेरिवेटिव निकाला था, किसी भी चीज का डेरिवेटिव निकाला था। पर कभी कभी क्या हो रहा था, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थे जहां पे डेरिवेटिव दिया हुआ था। क्या हुआ था, डेरिवेटिव दिया हुआ था, किसी भी चीज का डेरिवेटिव दिया हुआ था किसी फंक्शन का, और हमें वो फंक्शन फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, फंक्शन। तब तक अपन ने फंक्शन निकाला था, फंक्शन की मदद से डेरिवेटिव निकाला था। ठीक है, अब तक अपन ने फंक्शन की मदद से डेरिवेटिव निकाला था, लेकिन अब डेरिवेटिव अगर दिया हो तो उसकी मदद से फंक्शन कैसे निकालना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव या फिर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव दिया हो और इंटीग्रेशन, सॉरी, उसका ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा वो पता करना है। ठीक है, तो ये काम करना। इसका एक और एप्लीकेशन क्या है, इस चैप्टर में आप जैसे कि वहां पे आपने बहुत सारे एप्लीकेशन देखे थे डिफरेंशियल कैलकुलस में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, और उसका एक एप्लीकेशन है किसी भी कर के अंदर का एरिया निकालना। किसी भी कर के अंदर का क्या निकालना, एरिया निकालना। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ x³/3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, करो x³/3 का डिफरेंशिएशन x²। हाँ, आप क्या करोगे, 1/3, ऐसा कैसा, 3 आगे आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी तो x² आ जाएगा, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, मैं पूछता हूँ बताओ log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। ठीक है, ये सारा हमने डिफरेंशिएशन में देखा था। अब मेरे को ये आएगा क्वेश्चन कि किसको किसको मतलब जैसे मान लो आपको दे दिया x², अब x² किसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका ये किसका डिफरेंशिएशन होगा ये पता करना। ये मान लो किसी का डेरिवेटिव है, ये किसी का डेरिवेटिव है, पर ये किसका डेरिवेटिव है ये पता करना है। तो x² किसका डेरिवेटिव है, x³/3 का, यस सर, है ना, x² किसका डेरिवेटिव, x³/3। इसका मतलब रिवर्स प्रोसेस में इंटीग्रेशन, तो x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3। सिमिलरली log x का इंटीग्रेशन, सॉरी, ये अब ये 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x log mod x, है ना, क्योंकि log के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। सिमिलरली cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। क्या बात पता चल पा रही है आपको, रिवर्स प्रोसेस, है ना। ठीक है, यहां तक तो ठीक था। अच्छा, अब इसी में कुछ चीजें और देखी गई कि अगर अभी अपन ने देखा cos x का इंटीग्रेशन क्या आया, sin x आया ना। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि आपने देखा sin x का डिफरेंशिएशन cos x था, है ना, यस सर। ठीक है, तो आपने देखा कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x से, तो आपने ये बोल दिया, इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, sin x आएगा, आया ना। अच्छा, किसी ने पूछा होता कि बताओ sin x प्लस कोई भी कांस्टेंट ले ले, मान लो 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x ही होगा। इसका मतलब अगर मैं पूछता हूँ cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन cos है, तो cos का इंटीग्रेशन फिर क्या आएगा, sin x + 5। ये भी सही है ना, यस सर। कोई 5 की जगह कोई और कांस्टेंट यूज कर लेता तो भी इसका डिफरेंशिएशन तो cos ही आता, लेकिन अगर वापस में cos का इंटीग्रेशन करता तो इसके हिसाब से तो फिर आंसर क्या आना चाहिए था, sin x - 3, है ना, यस सर।
यहाँ पे सेम कॉस का इंटीग्रेशन तीन अलग अलग आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, इसलिए इंटीग्रेशन में क्या किया गया? अगर आपको मैं जनरलाइज पूछूंगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, आप क्या बताओगे? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हर इंटीग्रेशन में आपको ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? ऐड, जनरलाइज फॉर्म प्रॉपर लिखने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसलिए अब ये सी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। तो इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है? हर इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है। इसी तरह से मैं अगर आपको पूछता हूँ कि बताओ वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग मॉड एक्स प्लस सी। लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। प्लस सी। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो ये बेसिक फंडामेंटल आपको ध्यान रखना है। अब कुछ डायरेक्ट जैसे सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन एक्स। टेन एक्स है ना? टेन एक्स प्लस टेन। टेन का डिफरेंशिएशन ही होता है, याद आ रहा है? यस सर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। टेन इनवर्स एक्स प्लस। वेरी गुड, ठीक है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट चीज कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन, मान लो कोई फंक्शन आ रहा है जी एक्स, किसी एक फंक्शन का इंटीग्रेशन मान लो क्या आ रहा है, जी एक्स आ रहा है, उसी सेम फंक्शन में बस एक्स की जगह मैं एक लीनियर फंक्शन को रिप्लेस कर दूं, एक्स की जगह क्या लिख दिया, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, एक्स की जगह क्या लिख दिया, ए एक्स प्लस बी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेम फंक्शन रहेगा, बट जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी प्लस बी आ जाएगा। और बस एक चीज का और ध्यान रखना है, ये जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए से आपको डिवाइड करना होगा, क्योंकि याद हो, अगर याद करो तो डिफरेंशिएशन में एक्स के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे, है ना? यहाँ पे एक्स के कोएफिशिएंट से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। लेकिन ये चीज किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर लीनियर फंक्शन, ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक और बाकी के लिए मत कर देना एप्लीकेबल। लीनियर मतलब ए एक्स प्लस बी टाइप, जहां पे एक्स की पावर वन हो, एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर फंक्शन। क्या बातें समझ में आ रही है? यस सर। जैसे इसी एग्जांपल के तौर पे कॉस ऑफ 5x माइनस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो? 1 अपॉन 5 साइन 5x माइनस 3 प्लस सी। जो फंक्शन है वो ऐसा कैसा लिखा जाएगा, और 1 बाय 5 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। क्लियर हो रहा है? बोलो। यस सर। अब यहाँ पे आपने जो क्या ऑब्जर्व किया था, एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन में एक्स क्यूब बाई थ्री का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर था, इसका डिफरेंशिएशन ये था, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये पावर के साथ क्या हो रहा है, पावर टू थी तो टू की क्या हो गया, एक वन ऐड हो गया, और नीचे भी क्या हो गया, सेम चीज वन ऐड हो गया, है ना? डिफरेंशिएशन में पावर एक कम हो जाती है, इंटीग्रेशन में पावर एक बढ़ जाएगी, है ना? अगर आप बात करो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, क्लियर है? यस सर। सेम जनरलाइज्ड फॉर्मूला में ए एक्स प्लस बी के साथ भी अप्लाई कर सकता हूं, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लीनियर टर्म है तो वापस एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और ए के कोएफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या बात समझ में आ रही? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। Anyone? कोई डाउट यहां तक? नो डाउट सर। ठीक है। इंटीग्रेशन की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, उसको समझ लो कि अगर दो फंक्शन है
एडिशन में है आपस में मान लो या फिर सब्सट्रैक्शन में, और उसको ओवरऑल इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। दूसरी चीज, इंटीग्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट है के, उसको भी के को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को क्या निकाल सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो याद रख लेना। और एक अभी जो प्रॉपर्टी मैंने बता दी है ऑलरेडी, एफ ऑफ ए का इंटीग्रेशन, तो जो भी आंसर आएगा वो आप कर सकते हो, ए से भी डिवाइड कर देना, वो पता ही आपको। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, एक जल्दी से इनको उतारते जाओ। एक सारे फॉर्मूले एक ही जगह उतारना है आपको, ताकि आगे जाके हम जो जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें आपके पास सारे फॉर्मूले एक जगह इकट्ठे होने चाहिए। तो प्रॉपरली थोड़ी स्पीड में उतारो, और लिखते लिखते कोशिश करना याद भी हो जाए। स्टार्ट कर दो लिखना, जैसे ही हो जाए बता देना। सर चौथा वाला फॉर्मूला समझा दीजिए एक बार। चौथा वाला फॉर्मूला ए की पावर एक्स का, जैसे ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपने देखा होगा, वो होता था ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब लॉग ए को उधर जाके डिवाइड कर दूंगा और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन लॉग ए इंटू ए की पावर एक्स, आया ना? क्लियर है? अब अगर पावर लीनियर हो गई, जिसने बताया एक्स की जगह का कोई लीनियर फैक्टर हो गया, एक्स प्लस क्यू, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, ए की पावर एक्स मतलब पी एक्स प्लस क्यू, वन अपॉन लॉग ए, और जो एक्स का क्वेश्चन है पी, इससे एक बार क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, आया ना? क्लियर हुआ? यस सर। ओके, और भी कोई समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। हो गया सर, लिख लिया सबने, लिख लिया सारे फॉर्मूले सर? हाँ थोड़ा सा बचा है। हाँ लिख लो पहले, ये लिख लो ताकि सब क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे फिर साथ में, और फॉर्मूले पता होना चाहिए, इसलिए एक साथ लिखवा रहा हूँ, और आपको भी सारे याद भी करने, याद हो तो फिर भी लिख लो एक बार सारे एक साथ। और भी हैं अभी, और भी फॉर्मूले इसके बाद।
डन सर। डन, ओके। चलो नेक्स्ट ये लिख लो, कभी भी अगर अपॉन डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आती है तो क्वाड्रेटिक वन बाय क्वाड्रेटिक के टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा। डन सर। डन, ठीक है, ये एक और लिख लो। लिख लिया? सर लिख रहे हैं। ये सर हो गया सॉल्व, ये लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, ये जानबूझ के फॉर्मूला लिखवाए आपको ताकि आपको ध्यान रहे सारे फॉर्मूले, याद तो कर ही लेना, चार्ट भी चिपका लेना। अब एक साथ सारे अलग अलग वैरायटी के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन में सॉल्व करेंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक होता है वैसे ये चैप्टर भी क्या है ना, इसका यूज दूसरे चैप्टर में काफी है, डेफिनेट पढ़ेंगे तो वहां पे इसका यूज है, एरिया अंडर कर्व में इसका यूज है, डिफरेंशियल कैलकुलस में इसका यूज है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इसका यूज है। तो आपको इसके फंडामेंटल अच्छे से पता होना चाहिए और इस पे जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस कोशिश करना करने की, खासकर आज की क्लास के बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1 और 2, ये दो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज शुरू की ट्राई जरूर कर लेना। एक के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल से पहले खुद को समझाना और फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की अच्छे से सॉल्व करना।
ताकि आगे आने वाली क्लासेस में जब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे आपको दिक्कत कम आएगी। और तीसरी चीज, ये फॉर्मूले तो एकदम बाय हार्ट रटे होने चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। जितने फॉर्मूले बोले इनको अच्छे से एकदम याद कर लेना, ताकि अपन जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए और कॉन्सेप्ट को सीखने में टाइम दें, ना कि फॉर्मूला सीखने में। ठीक है, तो आज की क्लास जब जैसे खत्म हो, जब भी खत्म हो उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों प्लीज अच्छे से सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो अब एक एक करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, प्रॉपरली ट्राई कर। चलो फर्स्ट वाला, क्या होगा यहाँ पे? कॉन्स्टेंट 4 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, आया ना? Yes, sir. और x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करने का x की पावर 6 अपॉन 6 2 बाय 3 x की पावर 6 प्लस c। क्या समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Well. Yes, sir. फॉर्मूला x की पावर n का लगा। चलो ये ट्राई कर लो एक बार। हो गया सॉल्व, है ना? x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x क्यूब 4.44 हां, x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 5x क्यूब 4 का इंटीग्रेशन 4x। ध्यान रखना किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? c * x, है ना? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन c होता है। क्लियर है? यस सर। हमारा 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। 7 as it is 1 upon x का इंटीग्रेशन log x log x और 2 x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -1/2 प्लस 1 upon -1/2 log आ जाएगा, तो root x by 2 by 1/2 है ना? यस सर। सही है, सबको समझ में तो आ रहा है? ठीक है, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे प्रॉपर्टी लॉग की यूज होगी, लॉग ऑफ चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले क्या देता है? e की पावर 2 ln x, है ना? यस सर। पहले इस फंक्शन को सिंपलीफाई करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से सुनो। पहले 2 को ऊपर भेज देना, बेस बेस सेम है, ये x स्क्वायर हो जाएगा, है ना? सेम यहाँ पे भी e की पावर a ln x है, a आगे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर a, और सेम वो भी वो क्या हो जाएगा? x की पावर 4। तो ये दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में? ये x स्क्वायर दिया हुआ था, x की पावर a दिया हुआ था, ये क्या दिया हुआ था? x की पावर 4। अब इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं, हाँ है ना? यस सर। हो जाएगा x क्यूब बाय 3 x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 x की पावर 5 अपॉन 5। ठीक है, ठीक। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इंटीग्रेशन के केस में
जैसे हम डिफरेंशिएशन में चेन रूल अप्लाई करते थे कि पहले फंक्शन का कर दिया, फिर अंदर वाले फंक्शन का कर दिया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते थे और वो यू बाय वी रूल अप्लाई करते थे, क्वेश्चन रूल, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखना। ओके सर, यहाँ पे मत अप्लाई कर देना, बहुत बार मन करेगा अप्लाई करने का पर कर मत देना, नॉट एप्लीकेबल इन इंटीग्रेशन, क्लियर है? डिफरेंशिएशन और वहां पे ही हमारी पे अप्लाई करते, डिफरेंशिएशन में चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और यू बाय वी रूल, यहाँ पे ऐसा कोई रूल एप्लीकेबल मत कर देना, अलग होता है यहाँ पे चीजें, ठीक है? ओके सर, चलो। अच्छा अभी मैंने आपको बताया था, मुझे ये बता, एक ही पावर एक्स की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या सिखाया था? एक ही पावर एक्स अपॉन लॉग ए, वेरी प्लस सी। अब इसको भी सोचो जरा, पावर सेम बनाने की कोशिश करना, कुछ प्रॉपर्टी और लिख देता हूँ बेस एक्सपोनेंट की। सर हम इनको मतलब अलग अलग करके लिख सकते हैं, 2 रेस पर x प्लस 2। हाँ करो करो करो, सॉल्व करो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, एक तो 2 की पावर x है, तो इसको मैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 लिख रहा हूँ अपॉन 10 की पावर x, और 5 की पावर x माइनस 1 को 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर अपॉन 10 की पावर x, पहले पावर सेम बना के, अब जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। यस सर, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, 2 अपॉन 10 की पावर x dx माइनस 1 बाय 5 5 अपॉन 10 की पावर x dx, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 बाय 5 की पावर x और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1 की पावर x वाला है ना? यस सर, ए की पावर एक्स का फॉर्मूला भी अपन ने देखा क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, ए की जगह क्या हो जाएगा 1 बाय 5 की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, यस सर, यहाँ पे भी 1 बाय 2 की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, यस सर, क्या सबको समझ में आया बोलो? यस सर, यस सर, ठीक है, ऐसे प्रॉपरली सॉल्व करना है, अगला ट्राई करो। सर टेन एक्स कोट एक्स, हाँ कैसे कर सकते इसको, ऐसे देखो दो तरीके, या तो साइन कॉस में बदल दो, आपने कैसे किया सर? हमने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया, डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? इंटीग्रेशन, क्या अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं ऐसे? डिफरेंट डिफरेंट, यस सर, डिफरेंट डिफरेंट करके सही किया है, ऐसा कर दिया, यस सर, बट ये तो पूरा में है। नहीं नहीं नहीं, ये कभी मत करना, जैसे डिफरेंशिएशन में जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो क्या हम अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या? जैसा अगर मैं आपको पूछता कि एक्स क्यूब और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करो, आपके अलग अलग करते थे, उसके लिए एक रूल पढ़ा था अपने, प्रोडक्ट रूल है ना? यस सर, यस सर, वहां पे भी डायरेक्ट नहीं करते, यहाँ पे भी डायरेक्ट नहीं होता है,
कभी भी ऐसे डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट भी नहीं होगा। मैंने क्या बताया था, अलग अलग इंटीग्रेशन सिर्फ कहाँ पे होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। प्रोडक्ट के लिए कुछ बताया क्या मैंने? नहीं ना, तो ये गलती कभी मत करना, आज कर दिया अब मत करना, कि अलग अलग प्रोडक्ट में या डिवाइड में अलग अलग इंटीग्रेशन सेपरेट नहीं कर सकते। एक बार साइन कॉस में बदल के ट्राई करो। करा tan x माइनस cotx। वेरी गुड। इसको अगर आपने sin cos में बदला होगा तो ऐसा कुछ आ रहा होगा, सही है? यस सर। बेसिकली ये है क्या, डिनोमिनेटर में sin x into cos x का होल स्क्वायर। यस सर। देखो sin x cos x जैसे दिखा तो मैंने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि sin 2x बन जाए, है ना? और यहाँ पे साइन टू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते, कॉसेक स्क्वायर। यस सर। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला होता है? और x को क्वेश्चन 2 है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यस सर। यस सर। आप आंसर याद, ये तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 2 cot 2x प्लस c 2x। देख लो एक बार ध्यान से, कोई स्टेप नहीं समझ में तो वापस पूछ लो। क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सर। ओके चलो इसको ट्राई करो। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे को कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, ऊपर ओपन कर दोगे? यस सर। है ना, और नीचे रूट एक्स को सबसे एक एक बार डिवाइड कर देंगे। और कोई तरीका तो है नहीं, फॉर्मूला तो पता है नहीं अभी कोई मैंने, है ना? यही तरीका है, बोलो। अब यहाँ पे बेस सेम है, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, डिवाइड होता है तो पावर क्या हो जाती है, सब्सट्रैक्ट। नीचे पावर 1/2 है तो पावर क्या बन जाएगी,
ये हो जाएगा आपका x की पावर 5 बाई टू प्लस 3 टाइम्स x की पावर 3 बाई टू प्लस 3 इंटू x की पावर 1 बाई टू प्लस x की पावर माइनस 1 बाई टू। अब इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लोगे, हाँ है ना? यस सर। बोलो बच्चों। ओके चलो अगला ट्राई करो। यहाँ पे सोचना कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहले 9 कॉमन ले लेना ताकि x स्क्वायर क्वेश्चन को हमेशा 1 बना दिया करो। 9 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा ये? अब सोचना कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हो गया क्या सॉल्व? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? सर नहीं पता चल रहा। सर 1 upon a square plus x square। हाँ वेरी गुड। कौन सा फॉर्मूला था ये? इसलिए कहा था फॉर्मूला देख लो। 1 upon a tan inverse x upon a plus c। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सर ये बना सकते हैं 2 upon 3 का स्क्वायर। हाँ 2 upon 3 का स्क्वायर। अब a की जगह 2 upon 3 और ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाना चाहिए। हो जाएगा 1/9 1 upon a 1 upon 2 upon 3 tan इनवर्स x upon 2 upon 3 ये रहे प्लस c। आया समझ में? यस सर। वो देखो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला इसलिए कहा था याद करना। अगेन देखो वापस एक और क्वेश्चन। यहाँ पे दो कॉस के फंक्शन प्रोडक्ट में है, क्या प्रोडक्ट में अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो इनको हमें दो सम में तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे सम में तोड़े? करो तो कोशिश। दो के सम में अगर ये टूट जाए तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई करके तो काम बन जाए। कोस ऑफ एक्स प्लस एक्स। नहीं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा सोचो। प्रोडक्ट वाले को सम में तोड़ने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? सर cos 2x को 1 minus 2 sin x लिख देंगे। हाँ वो भी कर सकते हो क्या? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये वाला कोई फॉर्मूला है 2 cos a cos b का? 2 cos a cos b का कोई फॉर्मूला सिखा है? अरे बोलो हाँ है ना। ये भी नहीं पता क्या ट्रिग्नोमेट्री में 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x 2 cos a cos b का फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री में होता है कि नहीं होता है? टू साइन ए साइन बी नहीं पता सर? याद नहीं आ रहा। क्यों नहीं याद? ये अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर तो पूरा इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं होगा। पहले सुन लेना, पूरा चैप्टर उड़ जाएगा। चेक कर लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो।
ट्रिग्नोमेट्री के बच्चों अभी बता रहा हूँ, चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अगर इस चैप्टर को अच्छे समझना है तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कर लेना पहले, क्लियर है? ओके सर। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले भी अगर आपको नहीं पता होंगे तो इस चैप्टर में आपसे कुछ भी नहीं बनेगा, या तो फिर छोड़ देना पूरा चैप्टर, और ये चैप्टर छोड़ा तो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन भी छोड़ना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी छोड़ना पड़ेगा, डिफरेंशियल कैलकुलस भी छोड़ना पड़ेगा, एरिया अंडर कर्व भी छोड़ना पड़ेगा। एक चैप्टर को छोड़ने से चार चैप्टर छूटेंगे, इसलिए ये सब चीजें मत करो। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो पता होना ही चाहिए, आज जाके याद कर लेना, कल संडे भी है ठीक है, और अपने रूम में चिपका लो। टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड किया, क्लियर है? इससे क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट में चीज गिवन थी ये सेपरेट हो जाएगी दो के सम में, तो हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी करोगे तो माइनस एक्स आएगा, लेकिन कॉस के अंदर माइनस एक्स प्लस एक्स सेम ही होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है? यस सर। इसका आपको इंटीग्रेट करना था, अब इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर सकते हो, है ना? कर सकते हो, कर सकते, अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 3x upon 3 plus cos sin x upon 1 plus cos का sin होता है, sin का माइनस cos होता है, क्लियर है? यस सर। अब इसको ट्राई करो, देखो टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो नहीं पता, लेकिन आपको सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है क्या? यस सर। क्या होता है सर? टेन एक्स माइनस एक्स प्लस टेन एक्स। अब सोचो आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी लगा देंगे, टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बोलो, टेन स्क्वायर को क्या लिखोगे? सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। यस सर। अलग अलग इंटीग्रेट कर देना, सेकेंड का क्या हो जाएगा, टेन एक्स, वन का हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री, ठीक है? अगला ट्राई करो, वन माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है। tan x minus sin x plus x। नीचे देखो क्या बनेगा, 1 minus sin square बन जाएगा, 1 minus sin square को cos square लिख सकते हो, है ना? नीचे a plus b a minus का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो 1 minus sin square, 1 minus sin square को cos square, अब अलग अलग कर दो क्या कर, तो sin x upon cos square, तो cos square में दो cos है, एक अलग कर दिया, एक अलग कर दिया, तो 1 by cos square क्या हो जाएगा, secant square, secant square का integration क्या होता है? 10x और 10x, 10x sec x का integration क्या होता है? sec x, clear है? yes sir। यहाँ तक कोई doubt है किसी को, anyone? no sir, no sir। अब जो अगला method जो most important है जिसके ज्यादातर question आपको दिखेंगे वो है integration by substitution, heading डालो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या होता है सुनना ध्यान से, कभी कभी क्या होता है किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपन को उसी क्वेश्चन में दिख जाता है, किसी ध्यान से एक एक वर्ड को सुनना,
किसी एक ही क्वेश्चन में एक या एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं और उसी का डिफरेंशिएशन उसी के क्वेश्चन में अगर हमको दिख जाता है तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। जैसे मान लो उसको अपन ने कुछ टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, टी सब्स्टिट्यूशन करने से क्या होगा, वो फंक्शन बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको पूछता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बताओ। अब देखो इसका इंटीग्रेशन बहुत टफ है ना, क्योंकि मेरे पास कोई क्वेश्चन रूल तो है नहीं और ना मैं अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो अजीब सा एक फंक्शन दिया हुआ है। लेकिन एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन मेरा आसान बन सकता है। क्या सब्स्टिट्यूशन, अगर मैं यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स को टी कोई एक वेरिएबल टी मान लू, अब दोनों तरफ अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो देखो क्या होगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होगा इज इक्वल टू dt अपॉन dx। हां इक्वल टू dt अपॉन dx लिखोगे और dx को हमने इधर, अब इंटीग्रेशन में dx में हमेशा इधर लिखूंगा, x के साथ dx, t के साथ dt, क्लियर है? यस सर। वो डिवाइड वाला dx को इधर भेज देंगे, क्लियर है? तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx और t का डिफरेंशिएशन dt, क्लियर हो गया? यस सर। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन जो मेरा था उसमें क्या क्या था, यहाँ पे dx upon 1 plus x square को अपन क्या, अपन ने क्या दिखा दी, इसकी वैल्यू dt के बराबर हो गई और इसको अपन ने क्या assume किया था, t assume किया था, क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट किया, t dt में। Yes sir। देखो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन था इसको अपन ने t माना था, ये dt में चला गया तो क्वेश्चन t dt में कन्वर्ट हो गया। अब t का इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, t square by 2, t square by 2, t square by 2। अब फाइनल आंसर में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, क्वेश्चन भी आसान बन जाते हैं। लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन से इसको करना होगा और ये चीज ऐसा नहीं कि आज आ जाएगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही होगी, इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी तब जाके आप इसमें परफेक्ट बनोगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब बताओ इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करें, secant square x equal to t, x को t मानेंगे, secant का डिफरेंशिएशन तो tan का डिफरेंशिएशन secant है ना? यस सर। अच्छा तो tan x को या पूरे को भी मान सकते हो, क्योंकि इसका पूरे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, secant square x dx equal to dt आया ना, तो ऊपर dt हो गया, नीचे क्या हो गया, t 1 by t का इंटीग्रेशन, अगेन क्या हो जाएगा, log t, क्लियर है? तो लॉग ऑफ टी, टी किसको माना था, बोलो समझ में आया? यस सर। पक्का समझ में आ रहा है? यस सर। एक और देखो ध्यान से, जैसे कॉटेक्स का इंटीग्रेशन पूछा होता, अब मुझे तो पता नहीं किसका डिफरेंशिएशन कॉट आता, तो डायरेक्ट तो पता नहीं मुझे, मुझे पता सीकेंड स्क्वायर का टेन एक्स होता है, sec x tan x का sec x होता है, लेकिन cortex किसका होता है ये पता नहीं है, कि किसका differentiation cot आता है आज तक अपन ने देखा नहीं है, तो अपन ने क्या करा, cot को लिखा cos upon sin, सही है? Yes sir। अब यहाँ पे कोई substitution कर सकता हूँ क्या मैं, अगर sin x को t मान लें तो cos x dx dt में चला जाएगा, है ना? sin x को अगर अपने t मान लिया तो numerator dt में चला जाएगा और 1 by t का integration क्या होता है, log t, है ना? आंसर क्या जाएगा, log of mod sin x, यही formula पढ़ा था आपने cortex का, याद आ रहा है? बोलो। Yes sir। तो इस method को हम बोलते हैं method of substitution, इस method को हम क्या बोलते हैं, method of substitution। चलो एक और ये ट्राई कर लो। अब यहाँ पे जो e की पावर माइनस x इसको अपन 1 अपॉन e की पावर x लिख सकते हैं, LCM वगैरह लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही तो होता है। यस सर। इसी को t मान ले। यस सर। तो e की पावर x dx क्या हो जाएगा, dt, dt। अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, dt upon t again 1 by t का इंटीग्रेशन क्या करोगे, log t, और log t, और log t, t मतलब e की पावर x plus 1,
यस सर प्लस सी प्लस सी। क्या ये बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है चलो, अब मैं आपको ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया, अब इसी से रिलेटेड जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपको आज घर जाके कैसे भी करके सॉल्व एग्जांपल और जितने भी फॉर्मूले उनके डेरिवेशन भी दिए हुए हैं उन डेरिवेशन को भी खुद से एक बार डिराइव करना। और एक चीज और, एनसीईआरटी में जो थ्योरी गिवन है स्टार्टिंग में जो थ्योरी देती है याद है? यस सर। वो भी करना, एक मैं आपको एनसीईआरटी को दिखाता हूँ, एक सेकंड। दिख रहा है क्या सबको ये बुक? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में थ्योरी अच्छे से जो आपको पता होना चाहिए भी इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो एक तो ये पढ़ लेना। इसके बाद इसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन भी आगे दिया होगा तो वो भी पढ़ लेना, यहाँ पे सारे फॉर्मूले भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखो ये ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, इसको एक बार प्रॉपरली पढ़ना। ये करने के बाद आपको ठीक है ये एक्सरसाइज नंबर वन पूरी कंप्लीट करना है प्रॉपरली, और एक एक आंसर को अच्छे से मैच करना, प्रैक्टिस कर लेना फास्ट में। जैसे मान लो 20 क्वेश्चन है ना, 15 मिनट का टाइमर सेट करना, 15 मिनट में सारे हो जाने चाहिए, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। फिर ये देखो ये आ गया मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें सबसे पहला मेथड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो आज हमने पढ़ा है। ठीक है इसके ऊपर ठीक है, तो सबसे पहले ये चार एग्जांपल अभी ट्राई करो एवरीवन, इनको इंटीग्रेट करो सब लोग। हो गया सॉल्व? हेलो सर कर रहे हैं, करो जल्दी करो सर। पहले का cos mx upon m plus c आ रहा है, और दूसरे का माइनस cos x square plus 1 plus c। ठीक है,
हो गया, अटेम्प्ट हो गया? हो गया सर, यस सर। ठीक है, एक बार आंसर से देखो, मैच करो। ये फर्स्ट वाला माइनस वन बाई एन कॉस एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे देखो इन्होंने कैसे समझा रखा, एम एक्स को टी मान सकते हो, और आपको पता ही अगर x के क्वेश्चन के आगे m है तो 1 बाय m से डिवाइड भी कर सकते हो, वो ऑलरेडी मैंने बताया था, है ना, लेकिन वो लीनियर के लिए होता है। और दूसरा सब्स्टिट्यूशन से भी समझ सकते हो, mx को अगर आपने t माना तो भी यही आंसर आएगा, क्लियर है? यस सर, यस सर। दूसरे वाले क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 1 दिया तो बाहर 2x था, आपको पता है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1 को t मान लोगे तो 2x dx dt में चला जाएगा, देखो ध्यान से, हां है ना? यस सर। तीसरे वाले में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, उसको माना तो ये सॉल्व हो गया, क्लियर है? यस सर। और चौथे वाले में 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर दिया हुआ था तो tan इनवर्स x को t माना तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx dt में चला गया और वो भी सॉल्व हो गया, आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है, इसके अलावा देखो आपको सारे डेरिवेशन भी दिए हुए हैं, डेरिवेशन बहुत अच्छे हैं, इनको बिना देखे पहले खुद से ट्राई करना, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, अगर बिना देखे खुद से ट्राई करोगे डेरिवेशन को फिर अटेम्प्ट करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आ रही बात समझ में? ओके सर। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा हेल्थ का इशू है, आज का टारगेट मेरा कंप्लीट हो चुका है, आपको एनसीईआरटी की शुरू की दो एक्सरसाइज ट्राई करके आनी है, अब नेक्स्ट वीक हम जे इसी टॉपिक को जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ाएंगे, क्लियर है? यस सर। ओके सर, क्या आप एनसीईआरटी सेंड कर सकते हो मुझे? ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर।